हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की जो रेसिपी होने वाली है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और यूनिक होने वाली है, क्योंकि आज बना रही हूँ मैं कच्चे केले के कोफ्ते। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए थे 4 कच्चे केले, जिन्हें मैंने 2 सीटी यानी कि 2 से 3 सीटी में उबाल लिया, और उबालने के बाद मैंने इनको ठंडा करके छील लिया, और छीलने के बाद ये इस तरह से हो गए। तो देखिए ये कितने सॉफ्ट हो गए हैं और ये एकदम गल गए हैं। तो अब हमें इन्हें करना है मैश। तो आपके पास मैशर हो तो आप मैशर से कर लीजिए, नहीं तो फोक से या स्पून से किसी भी तरह से इनको मैश कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं भी इनको अच्छे से पहले मैश कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इनको मैश कर लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि ये रेसिपी जो है ये मैं बहुत ईजी तरीके से और बहुत ज़्यादा टेस्टी, यकीन मानिए आप इस तरह से बनाकर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी ये रेसिपी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर डाली बारीक कटी हुई प्याज और थोड़ी सी लाल मिर्च, और साथ ही डाला मैंने स्वाद अनुसार नमक। तो गाइज, यहाँ पर आप प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा, मसाले जो भी हमने डाले हैं वो ज़रूर डालिएगा, सब कुछ कंपलसरी है। उसके बाद डाला मैंने आमचूर पाउडर 1 चम्मच भर के, धनिया पाउडर, और साथ ही डाला मैंने बेसन। बेसन आप रिक्वायरमेंट के अनुसार डालें जितनी इसमें ज़रूरत हो। उसके बाद मैं इन सबको अच्छे से हाथों से मसल कर मैश कर ले रही हूँ। तो आप भी इसे अच्छे से, अगर आप केले के कोफ्ते बना रहे हैं तो एक तो ध्यान रखें केले में ज़्यादा सीटी ना लगाए, क्योंकि वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 सीटी लगाया और फ्लेम को ऑफ कर दिया। तो यहाँ पर मैं जितना रिक्वायरमेंट है, मैंने यहाँ पर कम से कम 2 बड़े चम्मच बेसन डाला हुआ, उतना डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब डाला यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल, जिससे ये थोड़े से खस्ता यानी कि बहुत सॉफ्ट तैयार बनके तैयार हुआ। तो मैं इनको सबसे पहले मैश कर रही थी। तो देखिए मैंने यहाँ पर सबको मैश करा था। उसके बाद डाला मैंने कसूरी मेथी। अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो आप ज़रूर डालें, वो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है इसमें। आप यहाँ पर कसूरी मेथी की जगह फ्रेश हरा धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सबको मैंने अब अच्छे से मिला लिया और एक डो के फॉर्म में ये आ गया है। अब मैं इनके छोटे छोटे बनाऊंगी गोले, यानी कि थोड़े से छोटे छोटे बॉल्स बनाऊंगी। तो मैं इन सभी को इसी तरह से बॉल बनाकर तैयार कर लेती हूँ। सो गाइस, देखिए हमारी बॉल्स बन करके बिल्कुल तैयार हो गई हैं। तो मैंने देखिए थोड़े से 4 केलों में हमारी ये इतनी बॉल्स बन करके तैयार हुई। अब हम इन्हें करेंगे फ्राई। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया है और मैं इन सारे बॉल्स को एक ही बार में फ्राई कर लूँगी। तो चलिए मैं इनको, और हाँ, हमने जो फ्लेम है यहाँ पर लो ही रखनी है, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चा और बाहर से जल जाएंगे, यानी कि बाहर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से आपको वो कच्चा कच्चा फ्लेवर देंगे। तो इसलिए मैंने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई किया है। तो यहाँ पर एक तरफ से हल्का सा फ्राई होने के बाद मैंने इनको थोड़ा सा पलटने की कोशिश करी है। तो जो पलटने वाले थे उनको मैंने पलट दिया और जो बाकी जो थे उन्हें मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया। तो आप भी कोशिश करें, जब ये हल्के से गोल्डन ब्राउन पे एक तरफ से आना शुरू हो जाए तब इन्हें आप इन्हें पलटें। और अब मैं इनको अलट पलट कर दोनों तरफ से सेक लूँगी और जब तक इन पर गोल्डन सा सुनहरा सा कलर आने का वेट करूँगी। सो गाइज, देखिए हमारे पकौड़ों में लगभग जो हमारे कोफ्ते हैं उनमें गोल्डन कलर कितना सुंदर आ चुका है। और अब मैं इन्हें तेल से निकालूँगी। तो आप भी साइड में इस तरह से कलची लगा रहे, जैसे जितना भी एक्स्ट्रा तेल हो सारा अब निकल जाए। उसके बाद मैंने इन्हें ले लिया था एक प्लेट में। तो देखिए ये हमारे सारे पकौड़े बनके तैयार बिल्कुल तैयार हैं। तो मैं आपको एक पकौड़ा तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितना खस्ता और अंदर से कितना सॉफ्ट बना है। तो देखिए गाइस, और ये कच्चा तो बिल्कुल भी नहीं है, और मैंने तो एक खाकर टेस्ट भी किया था, बहुत टेस्टी बने थे। तो गाइस, अब हम चलते हैं ग्रेवी की तरफ। तो हमें ग्रेवी के लिए जो हमें वेजिटेबल लेनी है वो हमें क्या क्या लेनी है, बहुत ईजी रेसिपी और बहुत ही कम सामान से बना करके मैंने ये तैयार किया, और हाँ टेस्ट में कोई मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो मैंने यहाँ पर लिया लहसुन, टमाटर, प्याज, और साथ में लिया है तेज पत्ता, जीरा, सौंफ, मेथी। अच्छा, यहाँ पर आप सौंफ और मेथी ज़रूर डालें, ये ग्रेवी को बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही देगी। तो चलिए अब देखिए, मैंने जो टमाटर और प्याज दोनों था उन सबको पीस लिया, प्याज लहसुन और प्याज को मैंने एक ही साथ पीस लिया था। उसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल निकाल लिया था, जितना मुझे तेल ग्रेवी में चाहिए था उतना मैंने छोड़ दिया, बाकी तेल जो मैंने पकौड़े फ्राई करे थे उसमें से निकाल लिया। और उसके बाद जैसे तेल हमारा गर्म था मैंने उसमें डाला तेजपत्ता, जीरा, और जैसे इनमें थोड़ा सा चटकने लगे तो और सौंफ डाल दिया। अब इनको भी मैं 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी, यानी कि इनको थोड़ा सा चटकने देंगे, लाल होने देंगे। देखिए हमारे लाल हो गए। उसके बाद जो मैंने प्याज और लहसुन पीस के रखा था वो डाल देंगे। और हाँ, जो यहाँ पर हमारी प्याज है उन्हें हमें बहुत अच्छे से लाल करनी है। तो गाइस, सबसे मेहनत वाला जो काम है वो थोड़ा सा यही है प्रोसेस, जो हमारी प्याज है उन्हें हमें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करनी है। तो मैं बता दूँ, जो हमारी प्याज है, जो पीसी हुई प्याज होती है, वो तेल को थोड़ा ऑब्जॉर्व कर लेती है। तो इसलिए देखिए इसने कढ़ाई का सारा तेल जो है ऑब्जॉर्व कर लिया था और ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी। तो अब डालेंगे यहाँ पर हम अपने मसाले। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले डाली है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, आमचूर पाउडर थोड़ा सा स्वाद अनुसार, और साथ ही डाला मैंने थोड़ा सा गरम मसाला।
सो गाइस अब हम इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे और हमें यहाँ पर प्याज लहसुन मसालों को 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है ताकि मसाले हमारे अच्छे से भून जाए और उनमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। और जैसे ही हमारे मसाले अच्छे से भून जाए और उनमें अच्छी सी खुशबू आने लगे तो जो हमारे टमाटर पीस के रखा था वो हमें इसमें ऐड कर देना है। तो अब टमाटरों को भी हमें इन सब के साथ अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भून लेना है जब तक कि ये तेल रिड्यूस ना कर दे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सबको अभी पता है कि टमाटर महंगे हो रखे हैं तो आप इसकी जगह दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमारे टमाटर थोड़े से भून गए मैंने इसमें डाला 2 चम्मच बेसन। तो यहाँ पर बेसन डालना जरूरी है ताकि ये हमारी ग्रेवी को एक थिकनेस देगा। और साथ ही डाला मैंने यहाँ पर नमक, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। तो अब हमें यहाँ पर इनको फिर से बहुत अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर हमें इनको अच्छे से तब तक भूनना जब तक ये हमारा जो मसाला है वो तेल ना छोड़ दे और ये कढ़ाई में भी एक डो के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से हो जाएगा। सो गाइस देखिए हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, इसने ऑयल अपना छोड़ था। उसके बाद मैंने डाला यहाँ पर थोड़ा सा पानी, जितना आपको ग्रेवी इसमें रखनी है आप उतना पानी ऐड कर दीजिएगा, जितने आपको थिक रखनी है। तो मैंने यहाँ पर अभी थोड़ा सा पानी डाला और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर मैं उसके बाद थोड़ा सा और पानी डाल के मैंने 5 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से बॉयल कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए जो आप वाइट झाग देख रहे हैं ना, आपको इसको बिल्कुल ख़त्म कर लेना है। जब भी आप कोई सी भी ग्रेवी बनाएं तो उसमें इस वाइट झाग को ज़रूर ख़त्म कर दें। तो यहाँ पर साथ ही मैं जो हमने ये केले के कोफ्ते बना करके तैयार करे थे वो हमें यहाँ पर ऐड कर देना ताकि वो भी थोड़ा सा ग्रेवी के साथ पक जाए और जो भी हमारी ये ग्रेवी है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर ले और थोड़े से और सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने भी कोफ्ते बनाकर रखे थे सबको डाल दिया और ग्रेवी को मैंने 3 से 3 मिनट तक और पकाया। सो गाइज यहाँ पर ये हमारे केले के कोफ्ते बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो मैंने इसी गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल किया है कसूरी मेथी और यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है फ्रेश मलाई का। तो यहाँ पर आप मलाई की जगह क्रीम, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहीं पर हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार है। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कि हमारा ये कोफ्ते कितने सॉफ्ट और कितने टेस्टी बन के तैयार हुए। गाइज आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, गारंटी है कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और आपके फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको एक कोफ्ता तोड़कर दिखाया, देखिए कितना सॉफ्ट बना है और जो इसकी ग्रेवी थी ना वो इसके कोफ्ते के अंदर तक जा गई थी और ये इससे और भी ज़्यादा टेस्टी हो गए थे। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग सी रेसिपी के साथ। और हाँ, मेरे चैनल पर आपको इजी और क्विक रेसिपीज मिल जाएंगी तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा।